हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ सीबीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आप मान के चल लेते हैं कि मार्च में वैकेंसी आने वाली है, रिक्रूटमेंट नोटिस आने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़े भगवान आपके कह रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आनी तो है, मिड तक आएगी, चाहे कभी भी आए तो हमें फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। तो रीजनिंग की डेली क्लास आएगी एक टॉपिक की 3 बजे। तो उसी सीरीज को आगे करते हुए ये है रैंकिंग एंड ऑर्डर का, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक, मैंने डाल दिए हैं। तो जो टेलीग्राम में जुड़ा हुआ नहीं है तो जुड़ जाए टेलीग्राम में, ठीक। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और साथ ही साथ हम इसके सोल्यूशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। चलो, पहला कहा उसने, और जिसने रैंकिंग ऑर्डर नहीं आता वो पहले प्लीज कंसेप्ट वाली क्लास देख ले। देर आर 25 स्टूडेंट इन क्लास एंड ऑल ऑफ देम आर सिटिंग, ये क्या हो रहा है, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन योगा। 25 बच्चे हैं योगा में बैठ हैं, ठीक है ना। मीना 11th फ्रॉम द टॉप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेम होता है, ठीक है ना। टॉप को अगर लेफ्ट मानोगे तो बॉटम को राइट मानोगे, तो चलो वैसे ही कर लेते हैं। 25 टोटल बच्चे, मीना जो है टॉप से कौन सी पोजीशन पे, 11th पे है। स्नेहा 6th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से स्नेहा कौन से पे है, 6th पे है। स्नेहा कौन से, 6th पे। टू स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन, एक बार एक बड़ी दोस्त, मीना इज, टू स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन, ये क्या है, ये कर दिया ना इसने गलत, क्वेश्चन प्रिंटिंग एरर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो लेके चल रहा है मीना और उसको, छोड़ो छोड़ो, चाहो तो हम इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना लोड नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करेक्ट करने का। देखो ये भी रैंकिंग ऑर्डर का ही क्वेश्चन होता है, ऑर्डर सीरीज का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। रैंकिंग और ऑर्डर दो चीजें होती है, तो ये ऑर्डर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं क्या है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड लास्ट डिजिट, द थर्ड लास्ट डिजिट 1 2 3, थर्ड लास्ट डिजिट एंड द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से फोर्थ डिजिट 1 2 3 4। इफ ऑल नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इस नंबर को नहीं लेना, पहले नंबर्स को असेंडिंग में अरेंज करना है। तो 1 2 1 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो यहां से तीसरा ये रहा और यहां से फोर्थ 1 2 3 4 ये रहा। तो 7 और 3 का डिफरेंस पूछ रहा है, 7 और 4 का डिफरेंस, तो आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है ना। ये भी सेम ऐसा ही है, ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट में बताना आंसर क्या है, ठीक है ना। और जो भी डाउट्स रहेंगे या जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे कॉमन, जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, हम संडे को एक स्पेशल सेशन लेंगे रीजनिंग के लिए, और उसमें हम क्वेश्चंस करा करेंगे, ठीक है ना। तो पॉज कर लेना, फिर देख लेना, ठीक है ना। ओके, पंकज शिफ्टेड 7 प्लेस टुवर्ड हिज राइट, मतलब पंकज जहां पे भी था अपने राइट की तरफ 7 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 यहां आ गया पंकज। इसके बाद टुवर्ड इज राइट टू ऑक्यूपाई मिडिल पोजीशन ऑफ द रो, मतलब रो का मिडिल पोजीशन, मतलब यहां से तो 7th पे था, सॉरी यहां पहुंच गया 7th प्लेस, तो ओके बीचों बीच आ गया रो के, मतलब जितने लोग यहां होंगे उतने ही लोग यहां होंगे। If there were 33 persons in the row, total 33 है, अब दिमाग लगाना, टोटल अगर 33 है तो इधर 16, बीच में पंकज, ठीक है ना। ओरिजिनल पोजिशन ऑफ पंकज पूछ रहा है, पहले वाली पोजिशन, तो ये वाली पोजिशन 33 है, ये कितना देगा, 32 31 30 29 28 27 और 26, और चाहो तो आप माइनस कर दो, ये क्या हो गया। व्हाट वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ फंक्शन, राइट हैंड से पूछ रहा है, तो दिमाग लगाओ, टोटल 33 लोग थे, इधर से 16 है, तो देखो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर सकते हो, टोटल है 33
लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे है, नहीं समझे, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे आ गया वो 17, सॉरी कितना आया था, मैं मेरा क्या आया था, मैं भूल क्यों गया, एक मिनट रुको, क्या कर दिया मैंने, वो 32वीं पोजीशन में हो गया ना, हमारा आया था 26, 26 प्लस राइट माइनस 1 25, तो 33 माइनस 25, तो 33 में से 25 गया कितना हो जाएगा, ये क्या चक्कर हो गया, 33 टोटल है, इधर रुको, ये 33 माइनस, अच्छा 33 माइनस 7 26, 26 प्लस राइट माइनस 1 25 हो गया, 33 में से 25 गया, 15 13 में से 5 गया 8, 1 8 8, पता नहीं बच्चों क्या हो रहा है, एक बार दोबारा करता हूँ, मेरे से कहीं शुरुआत में एरर हो गया ना उस सेक्टर में, वो एरर रिपीट होता जा रहा है, चलो देखो रेड से करता हूँ, ध्यान रहेगा, ओके, पंकज शिफ्टेड 7 पोजीशन टुवर्ड राइट टू ऑक्यूपाई मिडिल पोजीशन, पंकज जहां पे भी था वहां से 7 प्लेस और गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, मिडिल 33 का मिडल, तो यानी कि ये कौन सा होगा 17th, इधर भी 16 होंगे, इधर भी 16 होंगे, अब वो कह रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल, ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी ऑफ द पंकज फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से कौन सी ओरिजिनल पोजीशन होगी, तो देखो सबसे पहले ये 17वीं पोजीशन है, यहां से भी यहां से भी, अगर ये यहां से कंसिडर करें 17वीं है, ये कितना हो जाएगा, अच्छा मैं उसे 33 लेके चल रहा था, ये तो 17 16 15 14 13 12 11 10, चलो पी क्यू आर एस 5% है, पी क्यू आर एस टी स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इफ क्यू स्कोर मोर मार्क्स देन एस, क्यू के मार्क्स एस से ज्यादा है, एंड टी मतलब क्यू के मार्क्स एस और टी से ज्यादा है, इसे नीचे रखो ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं, एंड टी यहां तक होगा, ओनली वाइल आर डज नॉट स्कोर द हाइएस्ट मार्क, आर सबसे हाइएस्ट नहीं है, पता नहीं क्या पी क्यू आर एस टी स्कोर मोर देन एस एंड टी, एस और टी से ज्यादा है, वाइल आर डज नॉट स्कोर हाइएस्ट, तो आर हाइएस्ट नहीं है बच्चों, इसके क्वेश्चन में आप लोग पढ़ना इसे और कमेंट में आंसर लगाना, मुझे तो लग रहा है कि कुछ एरर है, इंफॉर्मेशन एरर है, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है ना, अब मैं अगली बार से क्वेश्चन लाने से पहले चेक भी करूंगा कि वो सही है कि नहीं है, इन अरो 35 पीपल फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, आर इज 10th फ्रॉम राइट एंड, मानो ये आर है, आर यहां से कौन सी पोजीशन पे है 10th पे, एंड देर आर 10 पीपल बिटवीन पी एंड आर, मानो पी जहां पे भी है, पी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, और इनके बीच में कितने पोजीशन है 10th पर्सन है ठीक है ना, व्हाट इज पीज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड नाउ, यहां से पी की पोजीशन कितनी होगी, तो देखो 10 वह नंबर इसका है, यहां से 10 नंबर और होंगे, नहीं समझे, 11 12 गिन लो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 और ये हो जाएगा 21, 21 क्यों हुआ समझे, क्योंकि 10वां नंबर इसका है और 10 लोग और हैं, 10 और 10 20, तो ये हो जाएगा 21, तो अब देखो समझना, राइट से कितना हो गया 21, टोटल कितना है 35, लेफ्ट से पूछ रहा है, तो टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल है 35, लेफ्ट आपको नहीं पता, राइट है 21 माइनस 1, तो 20 उधर आ जाएगा 15, अभी क्या हुआ मैं लैपटॉप पे टिक करने वाला था, ओके ये वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, ओ सारे वही क्वेश्चन है, सॉरी एक बार देख लो इसमें मीना, एक मिनट, ये तो गलत है, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, सॉरी, तो हाँ ये अलग है, ये अलग है, ओहो ये सही था क्वेश्चन, दिस इज करेक्ट, मैंने गलत क्यों पढ़ा, उसने कहा कि Q
क्यू स्कोर्ड मोर मार्क्स देन एस एंड टी ओनली, मतलब क्यू एस और टी से ऊपर है सिर्फ, मतलब समझने की कोशिश करना, इसके ऊपर ही है अब जो है बस, ठीक है ना। और आर हाईएस्ट नहीं है तो हार हो जाएगा सेकेंड मोस्ट। ये एक्चुअल में बैंकिंग का क्वेश्चन है ना, इसीलिए चलो हो गया, हम एसएससी या नॉर्मल लेवल पे सोच रहे थे। अब वो कह रहे सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट कौन होगा, तो आंसर आएगा आर। बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, उसमें कुछ डाटा हाइड रखता है ताकि आप उसे ढूंढो और खुद करो, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन चलो करते हैं। चलो इन अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, सच दैट रजत इज 11th फ्रॉम द राइट। रजत जो है वो राइट से 11th है, राइट से 11th है। एंड देयर आर 10% बिटवीन रजत एंड मनोज, मनोज कहीं पे भी हो सकता है, रजत और मनोज के बीच में 10% है। शोभित इज एग्जैक्टली बिटवीन मनोज एंड हीरा, हीरा कौन आ गया, शोभित इज एग्जैक्टली बिटवीन मनोज एंड हीरा, मनोज और हीरा के एग्जैक्टली बीचों बीच शोभित है। हु मतलब हीरा, हीरा इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, हीरा जो है लेफ्ट एंड से 15th नंबर पे है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो, देखो देखो अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसे, ये थोड़ा सा बैंक
ओके क्लास, तो अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। बीच में कंप्यूटर ऑफ हो गया था, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, लेकिन चेक करते हैं कि क्या हुआ है। थैंक यू।